गैलेक्सी रेसर्स वेल वापस आ चुके हैं। ये क्लस्टर देखिए टीम्स का, यहाँ पर प्लेयर्स का, यहाँ पर 11 लोग हैं जो यहाँ पर तैर रहे हैं। जस्ट यहाँ पर गैलेक्सी रेसर्स ने 3 स्क्वाड्स वाइप कर दिए ऑलरेडी, जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है फाइट्स के अंदर। हील बैटल भी नहीं कर सकते यहाँ पे, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम टाइम इनफैक्ट आप सेंटर पे रहें। और यहाँ पे जिस तरीके से एक हर्ड मेंटालिटी चल रही है कि सभी एक प्लेयर को घेर चुके हैं, सर्कल ऑफ कोर्स यू नो श्रिंक जब करेगी सेंटर की तरफ श्रिंक करेगी, एंड एमजे उनके दिमाग में कुछ एक अलग ही रणनीति चल रही है। वेल एमजे अभी यहाँ पर ऑब्वियसली नो सबसे पहले वो टेकडाउन नहीं होना चाहेंगे, देखते हैं कि क्या कितना आगे तक जा पाते, बट सेंट्रल एरिया उनको नहीं मिल रहा है। इस टाइम पर सेंट्रल एरिया जाना इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और अबू तुम्हें वहां पर नजर आया काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया के अंदर, देखते हैं कौन सा और प्लेयर रहता है जो उनके काफी करीब रह पाएंगे। बट एमजे सर्कल पीछे से आ रहा है, 9 सर्कल भी क्लोज इन होना शुरू हो चुका है, बट पानी के अंदर अगर सर्कल रहता है, आप में से बहुत लोगों को एक वाटर सिटी का गेम याद होगा जिसके अंदर फाइनल सर्कल तक गेम गया था। पानी के अंदर सर्कल कंपेरेटिवली स्लो आता है, अगर हम लैंड सर्कल से बात करें फाइनल सर्कल लाइक 9th जोन के अंदर, तो हमें ये स्लो सर्कल आता दिख रहा है। ये जो स्लो सर्कल ऑफ डेथ है ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स को अपने चंगुल में लेकर के जाएगा। बट ये क्लस्टर देखिए टीम्स का, यहां पर प्लेयर्स का, यहां पर 11 लोग हैं जो यहां पर तैर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनमें से किसी एक को चिकन डिनर मिलना है। यहां पर ये जो 8 टीम है, 1 प्लेसमेंट पॉइंट, 2 प्लेसमेंट पॉइंट, 4 प्लेसमेंट पॉइंट, 6 प्लेसमेंट पॉइंट, 8 प्लेसमेंट पॉइंट, उन सब चीजों के लिए 12 10 15 उन प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए एमजे हल्का सा बाहर हो चुके थे, सरप्राइज सबसे पहले डाउन हो गए 60 टीम में बचे, एमजे डाउन हो जाते हैं। यहां पर एक और टीम यहां पर जाती है, बट सरप्राइज वो सेकंड ऑलरेडी उनकी टीम के एक और 8 के और प्लेयर्स जीवित है, 6 हैज बीन टेकन डाउन। अब अगली बार यहां पर अमृत सोकर की होगी, उसके बाद अबूत बचे हुए थे 9 रियल टाइगर 9। गैलेक्सी रेसर्स ने 3 स्क्वाड्स वाइप कर दिए ऑलरेडी, जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है फाइट्स के अंदर। कोई भी टीम यहां पर इस टीम के सामने आ रही है, वाइप पे वाइप देखने 10 किल्स गैलेक्सी रेसर के हिस्से में आ चुके हैं, डबल डिजिट किल्स ऑलरेडी ये टीम उठा चुके हैं। गैलेक्सी रेसर्स इज एट अनदर लेवल राइट नाउ। अब सर्कल देखते हैं, सर्कल के हिसाब से यहां पर कर्व हुए हैं, एक इकलौता प्लेयर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतों में हमें देखने के लिए नजर आने वाला है। बट गैलेक्सी रेसर्स क्या ही इनका डिसीजन मेकिंग था, बेहतरीन तरीके से इतने फाइट्स निकाली है। अब बस एक बात आती है कि इसके आगे कितना ही टीम जा पाएगी। अल्फा लेजेंड्स मीनवाइल वहां पर जरूर टेक डाउन, वहां पर आप देख सकते हैं ज्योति को किया गया है, बट वो प्लेयर्स भी यू नो फाइट ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सर्कल के हल्का सा बाहर है। क्योस ओ इज ही स्पॉटेड, इज ही स्पॉटेड, क्या यहां पर उनको भी पिक किया जा सकता है। मीनवाइल ड्रॉप को देखिए काफी करीब है, पर अगर ओवेस हल किसी वहां पर हलचल देख लेते वो जरूर पिक करेंगे, लेकिन ज्योति का किल भी यहां पर आ चुका है, 11वां किल गैलेक्सी रेसर्स के हिस्से में जाता हुआ, और क्योस सर्कल के बाहर है अभी के लिए, जोन उनको डैमेज दे रहा है। एक आखिरी फर्स्ट एड है, क्या भागेंगे या फिर यहीं पर रहना चाहेंगे। इज मूविंग अप फॉरवर्ड फॉर द सर्कल, सर्कल के लिए आ तो रहे हैं, पर क्या गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स उनको स्पॉट कर पाएंगे। वेल ईदर वे दोनों ही टीम से काफी बेहतरीन खेला, अल्फा लेजेंड्स की स्क्वाड के पास भी 9 किल्स है, मेकिंग इट टू द टॉप 4, तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड जरूर टॉप 3 में मेंटेन करेंगे। मैक्स काश को मिलता हुआ आखिरी किल और केओस फाइनली गोज डाउन, एंड अलोंग विद दैट अल्फा लेजेंड्स गो फॉलिंग एट नंबर 4th पोजीशन। बट अल्ट्रॉन वेल ये आज रुकने नहीं वाले, नबो का भी नॉक निकाल दिया, अब वेट कर रहे बस उनके ऊपर पुश करने के लिए। आई थिंक उसकी भी प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, एनएएसआर चाहे जितने स्मोक्स डाल दे आज ये गैलेक्सी रेसर्स नहीं रुकने वाली। टॉप 5 की हम बात कर रहे थे इनके थ्रू, जो हम रॉक एंड रोल गेम प्ले की बात कर रहे थे, शुरुआत थोड़ी सी स्लो थी बट उसके बाद जो फाइट्स थी इन्होंने सारी फाइट्स में अग्रसर थी ये स्क्वाड। गैलेक्सी रेसर्स 13 किल्स, एनएसआर 8 किल्स और साइट्स 1 किल के साथ टॉप 3 टीम हमारे पास यहाँ पर है पहले ही गेम की, और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये टीम अपना गेम बना पाएगी। सर्कल का जो एज है वो इनके हिस्से में आता है, एनएसआर जोन के बाहर है, साइट्स के एक प्लेयर जोन के साथ है, बाकी 2 प्लेयर जोन के बाहर है, बट गैलेक्सी रेसर्स को जो हल्का सा रेज है माइनस रिज है इनको बहुत ज्यादा फायदा देता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। क्या ये यहां से जो हमने देखा था लीग डेज के अंदर सेकंड पोजीशन आईडीसी भी, क्या यहां से हमें चिकन डिनर देखने को मिलेगा गैलेक्सी रेसर्स का, वो एक सवाल है। मीनवाइल मिरेकल रिजूर को डाउन करते हैं और पिक करने की यहां पर कोशिश रहेगी, बट साइड्स के बाकी प्लेयर्स के ऊपर नबो वहां पर एक प्लेयर को डाउन करते हैं, रोस्ट यहां पर नबो को डाउन करते हैं, और ये जो ट्रेड्स लिए जा रहे हैं इसके अंदर फायदा तो एट गैलेक्सी रेसर्स का ही देखने को मिलने वाला है।
जी हाँ बिल्कुल, और घूस जिस तरीके से प्रेशर बनाए रखे, एनएसआर के प्लेयर्स भी काफी सारी दिक्कतों में फंस चुके हैं। गैलेक्सी रेसर्स अभी भी सही वक्त का इंतजार कर रही है, जब वक्त मिलेगा इंस्टेंट पुश इन उनके तरफ से देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं अल्ट्रॉन ने साइडलाइन से एक नॉक ले लिया, एमजे फॉलोज इट अप। अब ये सारे किल्स अपने नाम पे जरूर करना चाहेंगे टीम गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स। दिस इज द मोमेंट जहां पे टीम गैलेक्सी रेसर्स नीड्स टू कैपिटलाइज। और नॉक्स निकल रहे, पतिका को भी डाउन कर दिया एमजे की तरफ से, कोको था एक शानदार ग्रेनेड, क्या ये कनेक्ट करेगा ओशन? यस इट डज एंड दे टेक इट विद स्टाइल। गैलेक्सी रेसर्स वेल वापस आ चुके हैं।